हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स, या अपन उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो आज की क्लास में अपन ये देखने जा रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है और अपन एंगल कैसे निकालेंगे, है ना। यदि दो कर्व दिए हुए अपने को, है ना, इफ वी हैव गिवन टू कर्व्स देन हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम, ठीक है, ये अपन बात करने वाले हैं, ये आज की क्लास में अपन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने क्या सीखा है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये अपन पढ़ चुके हैं, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल अपन कैसे निकालते हैं ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है, देखो अपन क्या बोलते हैं कि दो कर्व अपने को दिए हुए हैं, लेट से ये दो कर्व है, ठीक बात है ना। इन दोनों के बीच में एंगल का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट दैट पॉइंट बी पी, ये दो कर्व मान लो पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पी पॉइंट पे कर्व वन पे टेंजेंट बनाई गई और पी पॉइंट पे कर्व टू पे टेंजेंट बनाई गई, है ना। कर्व वन पे टेंजेंट बनाई गई और कर्व टू पे टेंजेंट बनाई गई, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन क्या बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स का, इट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन, है ना। एक्यूट से एक स्टैंडर्ड अपन ने बना लिया, इट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन बिटवीन टेंजेंट्स, इट इज द एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन पे जो टेंजेंट बनाई गई उनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, या अपन बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। हो सकता है ये बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग होंगे अलग अलग पॉइंट के लिए, जरूरी नहीं है कि एक ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आए या एक ही एंगल बिटवीन टू कर्व्स आए, इट्स नॉट नेसेसरी, देयर कैन बी मेनी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर टू कर्व्स, ठीक है, सही है बात, है ना। इस पॉइंट पे यदि बात करें तो इस पॉइंट पे एंगल क्या है, ये जो एक्यूट एंगल यदि है ना, यहां पे ये एक्यूट एंगल भी मान सकते थे, ये दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट बनेगा एक ऑब्ट्यूस बनेगा यदि ये 90 डिग्री का नहीं है, तो जो एक्यूट एंगल है उसको अपन बोल देते हैं कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो अपन यहां पे क्या बात करते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, है ना। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन की क्या है, निकालेंगे कैसे, अपन को पता है कि यदि अपन ने टेंजेंट की स्लोप निकाल ली यहां पे, और यहां पे यदि टेंजेंट की स्लोप निकाल ली, तो दोनों स्लोप के फॉर्मूले से, दोनों यदि स्लोप पता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला मैं स्ट्रेट लाइन से जानता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट्स में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, यदि एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं कि अच्छा इसकी स्लोप मान लेते हैं कि एम वन है, कर्व वन पे मान लो स्लोप है एम वन, कर्व टू वाले की स्लोप क्या है एम टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एम वन एंड एम टू। एम वन कैसे निकालेंगे बच्चों, एम वन निकालेंगे अपन कर्व वन पे, क्या करो ये मान लो कर्व वन है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, या कर्व वन पे डीवाई बाई डी एक्स निकालो, डीवाई बाई डी एक्स एट कर्व वन एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, है ना, एट पॉइंट पी, लेट द पी बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। M2 निकालो स्लोप एट सेकंड कर्व, कर्व टू एट पॉइंट P, है ना। कर्व वन के पॉइंट P पे अपन ने टेंजेंट की स्लोप निकाली, कर्व टू के पॉइंट P पे अपन ने टेंजेंट की स्लोप निकाली, दोनों के बीच में अपने को क्या चाहिए, अब ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में अपने को निकालना है एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एंगल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये फॉर्मूला होता है दो
लाइंस के बीच में एंगल का, यदि उनकी स्लोप m1 m2 है तो इसका क्या कर लेंगे अपन मोड, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं किसका, एक्यूट का। तो थीटा इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही बात है, बोलो, बोल सकते हैं अपन ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे कुछ पॉइंट अपन नोट करने वाले हैं। पहला अपन बोलते हैं कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, m1 m2 के बराबर नहीं है, इस बात का मतलब क्या है? इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 का मतलब क्या हुआ? दे बोथ कर्व आर इंटरसेक्टिंग, है ना। यदि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग। m1 इक्वल टू m2 का मतलब समझते हैं, m1 इक्वल टू m2 का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। अब दोनों की टेंजेंट के बीच में एंगल जीरो कैसे हो सकता है ना, दो कर्व इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दे आर टचिंग ईच अदर, है ना। एक कर्व ऐसा कुछ है और एक कर्व क्या हुआ, बड़े प्यार से इसको टच करता हुआ निकल गया, है ना, जस्ट छू रहा है उसको। तो क्या करेंगे अपन ये बोल रहे हैं कि अच्छा, इस पे यदि कर्व वन से टेंजेंट निकालेंगे तब भी यही आएगी, और कर्व टू से भी टेंजेंट निकालेंगे तो भी यही मिलेगी, मतलब टी वन टेंजेंट फ्रॉम कर्व वन और टेंजेंट फ्रॉम कर्व टू बोथ आर सेम एट देयर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P पॉइंट पे चाहे टेंजेंट की स्लोप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, वो यदि सेम आ रही है, इस बात का मतलब क्या है, दे आर टचिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट, है ना। वो पॉइंट P दोनों कर्व के अंदर होना चाहिए, पहली बात, है ना, x1 y1 दोनों कर्व के अंदर होना चाहिए, और ये स्लोप दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर टचिंग ईच अदर। तो टच करने की कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, कि जो x1 y1 पॉइंट जिस पे अपन टच करवा रहे हैं उसको, है ना, दिस लाइज इन c1, और अपन बोलेंगे कि x1 y1 जो भी पॉइंट है p लाइज ऑन इन c2, c2 कर्व में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड m1 इज इक्वल टू m2, जो स्लोप आ रही है फ्रॉम कर्व वन एंड फ्रॉम कर्व टू, ये यदि सेम आ रही है तो अपन क्या बोलेंगे, ये कर्व क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन का मतलब क्या है। m1 m2 इक्वल टू माइनस वन का मतलब अपन स्ट्रेट लाइन में भी जानते हैं, इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज, दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, और बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, है ना, दीज टू कर्व्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, या दे आर एट राइट एंगल। ठीक है ना। सो ये कुछ बातें थी अपन। अब यदि अपने को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और दो कर्व दिए हुए हैं तो कैसे निकालेंगे, इफ टू कर्व आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो अपन क्या बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो क्या है, उनका क्या निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक बात। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो स्लोप एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम सी वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सी टू एट दैट पॉइंट, तो दोनों के बीच में क्या निकाल लेंगे उसके बाद एंगल। ठीक है बात। सो ये कहानी थी इसकी, एंगल बिटवीन टू कर्व्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, है ना, ऑर्थोगोनल कर्व्स। इसका मतलब क्या, देखो ऑर्थोगोनल वर्ड कई बार आया हुआ है अपना, ऑर्थोगोनल टू सर्किल्स आर ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोगोनलिटी की वहां पे कंडीशन भी अपन ने देखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ऑर्थोगोनल, दो कर्व ऑर्थोगोनल अपन कब बोलते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर एट 90 डिग्री एट देयर ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
हर एक पॉइंट पे है ना, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यदि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं दोनों कर्व के, तो दोनों पॉइंट पे एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। यदि तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं तो तीनों पॉइंट पे एंगल क्या आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ if angle between curves या angle of intersection is 90 degree at their each point of intersection। ना हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल क्या आना चाहिए बच्चों 90 डिग्री, तभी अपन बोलेंगे है ना। ऐसा हो सकता है कि दो कर्व यहां पे मान लो ये 90 डिग्री आ रहा है और आगे जाके कर्व मान लो ये ऐसा कुछ है, ये 90 डिग्री नहीं आ रहा, तो अपन बोलेंगे कि ये जो दोनों कर्व है ये आपस में 90 डिग्री पे, अपन बोलेंगे कि दिस टू कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल कर्व्स है ना। इन दोनों कर्व को अपन ऑर्थोगोनल नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पे एंगल कुछ आ रहा है वो अलग आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है पॉइंट। तो ऑर्थोगोनल का मतलब हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होना चाहिए, उनका एंगल क्या आना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी 90 डिग्री की, अपन बोल सकते हैं कि एम वन निकाल लो एम टू निकाल लो इफ एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। M1 यहां पे क्या है dy by dx स्लोप फ्रॉम कर्व वन, M2 क्या है स्लोप फ्रॉम कर्व टू। ठीक है, देन दे आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल। समझ में आ गया होगा ऑर्थोगोनल का मतलब। तो इन पे प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों, है ना। एग्जाम्पल लिखो, एक कर्व अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात, फाइंड एंगल बिटवीन देम है ना, फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो अपन बोलेंगे कि अच्छा एंगल निकालने से पहले अपन को क्या करना चाहिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। ठीक बात, अपन निकालते हैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों कर्व को सॉल्व कर लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वहां पे, यहां पे y इक्वल टू क्या है फोर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू टू, मतलब यहां से अपने को मिल रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ टू। तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ बनाते हैं पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ होगा और फोर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x इक्वल टू जीरो पे फोर, तो ग्राफ कैसा मिलेगा ऐसा कुछ है ना, इन्वर्टेड पैराबोला क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो ये दो पॉइंट आ रहे हैं, समझ में आ रही है बात अपने को, ये दोनों पॉइंट अपने को क्या लग रहे हैं सिमेट्रिक लग रहे हैं ना। यहां पर जो एंगल आने वाला है दैट सेम एंगल विल बी एट दिस प्लेस है ना, दोनों जगह एंगल है ना, एट बोथ दी प्लेसेस एंगल विल बी सेम। ठीक बात, बोलो। अब इसका मतलब अपन एक जगह पॉइंट निकाल, एक जगह एंगल निकाल लेते है ना, वी विल ट्राई टू फाइंड एंगल एट दिस पॉइंट। सो एक्स इज इक्वल टू रूट टू हियर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई किसी एक से निकाल लो, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा टू। तो अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है अपने पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट पी आ रहा है अपने पास रूट टू कोमा है ना, रूट टू कोमा टू। ठीक बात, अपने को क्या निकालना है, एम वन निकालना है। तो एम वन क्या आएगा बच्चों, एम वन कर्व वन से स्लोप, कर्व मतलब कर्व वन का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा टू एक्स। तो एम वन क्या है डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम कर्व वन है ना एट पी, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां पे है टू इंटू एक्स क्या है रूट टू। ऐसे सिमिलरली एम टू यदि निकाले तो एम टू क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम कर्व टू है ना एट कर्व टू
कर्व टू पे डीवाई बाई डीएक्स करो एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी तो कर्व टू का क्या है माइनस टू एक्स आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या है रूट टू, तो यहां पे अपने पास m1 आ गया m2 आ गया तो tan थीटा आ गया क्या बोलो, tan थीटा क्या आ गया m1 माइनस m2 फोर रूट टू अपॉन है ना m1 माइनस m2 वन प्लस m1 m2, अप्लाई द फॉर्मूला यहां से आ जाएगा अपने पास फोर रूट टू अपॉन वन प्लस टू रूट टू इंटू टू रूट टू दैट इज एट है ना माइनस के साथ एक का माइनस टू रूट टू एक का टू रूट टू, तो दिस विल बी द आंसर थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बच्चों टेन इनवर्स ऑफ फोर रूट टू बाई सेवन, ठीक बात बोलो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो फाइंड एंगल बिटवीन y इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स एंड y इज इक्वल टू कोस टू एक्स है ना, इन दोनों कर्व के बीच में क्या निकालना है एंगल, समझ में आ रही है बात। अब टू साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं है ना, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस टू एक्स, तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस टू एक्स, इन दोनों को सॉल्व किया तो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई टू, तो ये वो x की वैल्यूज है जहां पे ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक बात। कर्व बना लेते हैं दोनों एक बार, कॉस टू एक्स सिंपल सा कर्व है कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स का ग्राफ बनाएं तो पहले बनेगा माइनस कॉस टू एक्स का मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट, ये वाली कहानी यहां आ जाएगी, प्लस वन का मतलब पूरा ग्राफ क्या हो गया वन पे शिफ्ट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या आएगा वन माइनस वन जीरो दैट विल बी मिनिमा, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा बच्चों ऐसा कुछ, ये तो है y इक्वल टू कोस एक्स का कोस ऑफ टू एक्स का, ये है y इक्वल टू वन माइनस कोस ऑफ टू एक्स का, तो ग्राफ से अपने को यह समझ में आ गया क्या कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो क्या है सिमेट्रिक है बिल्कुल एक जैसा है, तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि एट एक पॉइंट पे एंगल निकाल लेते हैं वही पॉइंट पे वही एंगल क्या होगा सब जगह आएगा, तो अपन यहां पर इसको सोल्व कर देते हैं टू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हाफ कब आएगा ये पाई बाई थ्री पे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई सिक्स, एक पॉइंट निकाल लेते हैं अपन x इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई सिक्स रखने पे पाई बाई थ्री बन जाएगा ये cos पाई बाई थ्री आ जाएगा अपने पास cos पाई बाई थ्री हाफ है ना, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड y इक्वल टू वन बाई टू, इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है अपने को निकालना है एंगल बिटवीन देम, तो दोनों टेंजेंट निकालते हैं अपन, पहले कर्व वन की बात करते हैं cos 2x की, तो cos 2x का y डैश क्या आएगा y डैश एट कर्व वन, कर्व वन का y डैश क्या है cos 2x का डिफरेंशिएशन, cos 2x को ले रहा हूं मैं कर्व वन मान लो, तो कर्व वन में cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x इंटू टू, ठीक बात, x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स रखने पे ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू इंटू टू, आंसर विल बी माइनस ऑफ रूट थ्री, ऐसे अपन बोलेंगे कि y डैश निकाला फॉर कर्व टू है ना, कर्व टू पे अपन ने y डैश निकाला, y डैश कर्व टू का क्या होगा वन माइनस कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन टू एक्स इंटू टू, सो आंसर विल बी हियर
रूट थ्री। पॉइंट तो यही है, पॉइंट क्या है अपने पास, फाइव बाई सिक्स कोमा वन बाई टू। तो ये दोनों अपने पास क्या आ गई, स्लोप आ गई। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टेन थीटा विल बी टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस वन प्लस माइनस ऑफ थ्री। सो आंसर विल बी वन माइनस थ्री हो जाएगा माइनस टू। तो थीटा विल बी टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब हो गया एंगल इज पाई बाई थ्री। तो एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई थ्री, है ना। वन माइनस टू कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स रूट ऑफ थ्री। समझ आ रही है बात। तो ये एंगल क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है इस पॉइंट पे। एंगल क्या आ रहा है इस पॉइंट पे, 60 डिग्री। सो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स, और ये सब जगह यही है एंगल। तो अपन सीधा बोल सकते हैं एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स इज पाई बाई सिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एंगल पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है सब पे एंगल क्या आ रहा है, पाई बाई थ्री आ रहा है। और ये ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल सेम आए, दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना। ग्राफ सिमेट्रिक है तभी ऐसा होगा। अपन जो सारे ग्राफ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं बच्चों, सिमेट्रिक ले रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कोस एक्स, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो अपन बोलेंगे कि अच्छा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो साइन एक्स तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, प्यारा सा सुंदर सा ऐसा ग्राफ आ गया। कोस एक्स का ग्राफ क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ किसका आएगा, कोस एक्स का, ठीक है। बात है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है कोस एक्स का। तो साइन एक्स और कोस एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया अलग अलग। ये है वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो 0,0 से पास हो रहा है, ये 0,1 है, तो ये है वाई इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ। तो यहां से भी अपने को समझ में आ रहा है कि यहां जो जो बन रहा है ना एंगल, वही सेम एंगल इधर बनेगा, बहुत आराम से ही अपन देखते हुए बोल सकते हैं ना। ये जो भी सिचुएशन है यही सिमेट्रिक सिचुएशन यहां बन रही है, यही सिमेट्रिक सिचुएशन क्या बन रही है, वहां बन रही है। इसका मतलब ग्राफ जो है, ग्राफ में एंगल यदि निकालना है अपने को, तो इस पॉइंट पे एंगल में निकाल लेता हूं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, दोनों ग्राफ को अपने कर्व को सोल्व किया, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स कब आएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। एक पॉइंट तो ऐसा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, अपन एक पॉइंट पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक बात। वाई वन वाई वाई डैश फॉर कर्व वन, कर्व वन के लिए वाई डैश की बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, मतलब कोस ऑफ पाई बाई फोर, मतलब रूट टू, ठीक बात। बोलो ऐसे ही y डैश फॉर कर्व टू, या अपन बोल सकते हैं कि m1 निकाल लिया अपन ने, m2 निकाल लिया, m2 क्या मिल रहा है अपने को, माइनस ऑफ साइन पाई बाई फोर, ठीक बात, माइनस ऑफ रूट टू। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, टू रूट टू अपॉन वन प्लस m1 m2, तो वन माइनस ऑफ टू का मोड, आंसर क्या आ गया, टू रूट टेन थीटा आया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ टू रूट टू। क्लियर है पॉइंट। तो ये कुछ कहानी थी एंगल की। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इस पे। इसका यूज काफी है ऑर्थोगोनलिटी में, इसका यूज आता है अपने को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का मोड, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो ऐसा अपने को नहीं बोलेगा कि फाइंड एंगल बिटवीन देम एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन देम का मतलब ही यही है कि क्या क्या बोल रहा है वो,
एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये अलग से नहीं लिखा जाएगा कि फाइंड एंगल बिटवीन देम एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन देम का मतलब ही यही है, दो कर्व के बीच में एंगल का मतलब ही यही है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक बात। तो अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसा ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा ऐसा कुछ। ठीक बात, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना। ऐसे सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वन का मोड करना है तो ये ग्राफ जो नीचे था वो किधर चला गया, ऊपर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का मोड की बात करें तो ऐसे ही, थ्री की बात करें तो थ्री का ग्राफ भी क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा। वो रूट थ्री पे कट कर रहा होगा कर्व एक्स एक्सिस को। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो x इज इक्वल टू वन और माइनस वन। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री। ठीक है बात। तो ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। बोल सकते हैं क्या अपन, क्लियर है पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो पहले तो ये पॉइंट निकालते हैं अपन, वो पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट की यदि बात करें तो एक्स इज इक्वल टू वन के आगे है ये पॉइंट, वन के आगे पे ये वाला कर्व कैसे खुलेगा बोलो। कर्व वन की डेफिनेशन, इस वाले लाइन की डेफिनेशन क्या है, वन के इधर ये अपने को पता है पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो इस कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस वाले कर्व की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इस वाले कर्व की, ये अपन बोल रहे हैं रूट थ्री के इधर है ना, माइनस रूट थ्री से रूट थ्री के बीच में ग्राफ क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। माइनस रूट थ्री से रूट थ्री के बीच में व्हेन एक्स इज लेस देन रूट थ्री, तो ये थ्री से छोटा होगा मतलब नेगेटिव। तो ये वाला कर्व किसके साथ खुलेगा बच्चों, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक बात। बोलो दोनों का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है ना। अपने को हर जगह सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ग्राफ से अपना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला काम बहुत आसान हो गया। तो यदि ग्राफ बहुत आसानी से बन सकता है तो ग्राफ बना लो, पहले बनाना ही चाहिए हमेशा, वहां से काफी कुछ समझ में आएगा है ना। कैलकुलस में तो ग्राफ बनाना ही चाहिए अपने को हमेशा, टू एक्स स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ठीक बात। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, ये पॉइंट आ रहा है अपने पास, ये पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू रूट टू। ठीक, x इज इक्वल टू रूट टू पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, रूट टू रख दो, रूट टू पे टू माइनस वन है ना, रूट टू पे टू माइनस वन वन, तो y इक्वल टू वन। x इक्वल टू रूट टू पे तो ये पॉइंट p आ गया अपने पास, इसको p नाम दे देता हूं, p पॉइंट अपने पास क्या आ गया, रूट टू कॉमा वन। अब m1 निकालते हैं स्लोप, स्लोप क्या आएगी देखो, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन से स्लोप निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन y डैश क्या आएगा, 2x है ना, dy by dx which is 2x, 2x किस पॉइंट पे अपन को निकालना है, ये 2x डिफरेंशिएशन आ रहा है 2x 8 पॉइंट रूट टू कॉमा वन, तो वो आ जाएगा अपने पास 2 रूट टू। ठीक बात। बोलो ऐसे अपन m2 की बात करें तो m2 क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स एट पॉइंट रूट टू कॉमा वन, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टू रूट टू। बोलो सही है बात, माइनस टू रूट टू। तो टेन थीटा की यदि बात करें तो टेन थीटा क्या आएगा, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू का मोड, तो एम वन माइनस एम टू की बात करें तो फोर रूट टू का मोड अपॉन वन माइनस एट, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 4 रूट टू बाई सेवन। ठीक है। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स Find the angle between the curves.
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, ठीक है, ये बात कर रहे हैं अपन। तो यदि अपन देखें इसको, इस कर्व को यदि देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x, तो बहुत ही सिंपल सा कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कर्व का यदि ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये क्या बन रहा है भाई, देखो बच्चों, y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 2x की पावर 3 का हाफ, ये बोल सकते हैं अपन, 2x की पावर 3 एक्स क्यूब बाई 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2, y इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 2 का रूट, या अपन बोल सकते हैं x की पावर 3 बाई 2 अपॉन रूट 2, ठीक है, ये ग्राफ आ रहा है। अब पहले प्लस वाले पार्ट की बात करें, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाई 2, 1 से बड़े पे है ना, 1 से बड़े पे x की पावर 1 से बड़े पे ग्राफ कैसा चलता है, ऐसा चलता है क्या बोलूं, है ना, 1 से छोटे पे ग्राफ ऐसा चलता है और 1 से बड़े पे ग्राफ कैसा चलता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ, है ना, x की पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है इसका, ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है मान। जो काम प्लस के लिए किया था x में, वही काम से किसके लिए करेंगे, माइनस के लिए, तू सुंदर सा ग्राफ आ रहा है। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, ये बनाया है y इक्वल टू माइनस x की पावर 3 बाई 2 बाई 2 रूट 2 का, ये बनाया मैंने y इक्वल टू प्लस x की पावर 3 बाई 2 बाई रूट, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिख रहा है मेरे को, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो रहे हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को लिख देंगे एक्स क्यूब बाई 2, है ना, एक्स क्यूब बाई 2 लिखा अपन ने वाई स्क्वायर को, एक्स क्यूब बाई 2 इज इक्वल टू 32x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 64, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 रखा अपन ने, तो वाई स्क्वायर किसी नेगेटिव नंबर के तो बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब माइनस 8 का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास प्लस 8, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 पे, तो ये ग्राफ क्या है 8 कोमा, पॉइंट क्या है यहां पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 रख दो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी एक्स क्यूब बाई 2, ये पॉइंट आ रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, तो x कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो x से ही मिल जाएगा, कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो इस पे, इस पॉइंट पे अपन निकालते हैं, इधर स्लोप मेरे को ये दिख रही है, इधर स्लोप ये दिख रही है, एंगल क्या आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, निकाल लेते हैं अपन y डैश। पहले अपन बात करते हैं एंगल 8 0 0, है ना, ये x x कैंसिल किया ना अपन ने, ये x इक्वल टू 0 कहां से आ रहा है सॉल्यूशन, ये x x कैंसिल किया तभी तो ये x स्क्वायर आया, तो x को कैंसिल करने का मतलब x इक्वल टू 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है। एंगल 8 0.0 की बात करें तो 0.0 पे इस कर्व पे डिफरेंशिएशन करते हैं, इस कर्व पे डिफरेंशिएशन पहले वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y y डैश इज इक्वल टू 32 अपॉन वाई, वाई डैश क्या आ गया 32 अपॉन वाई, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या स्लोप आएगी, वाई इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या आएगी इंफिनिटी, है ना, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y y डैश इज इक्वल टू 32, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 16 बाई वाई। अब अपने को निकालना है किस पॉइंट पे, 0.0 पे, तो m1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, m1 इज टेंडिंग टू बोल सकते हैं कि अपन प्लस इंफिनिटी, सिमिलरली m2 निकालते हैं, m2 क्या है अपने पास, ये स्टोरी थी m1 की, m2 क्या है 4y y डैश
इज इक्वल टू है ना 4y y डैश, या पहले x की पावर 3/2 से देखो है ना, 4y y डैश से नहीं, क्योंकि ये कर्व किसका है, x की पावर 3/2 अपॉन रूट टू का कर्व है ये वाला, है ना। अपन इस वाले कर्व के यहां से निकालते हैं, तो ये x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं। कर्व क्या अपने पास, कर्व अपने पास y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। कोई एक कर्व ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये वाला कर्व अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी तुम y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 32 रूट एक्स लिख सकते थे, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे भी डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो 0/0 पे m क्या आएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, ठीक है। यहां पे देखते हैं अपन, y इज इक्वल टू x की पावर 3/2 अपॉन रूट टू, y डैश क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3/2 x की पावर 1/2 अपॉन रूट टू, ठीक है। अब x टेंडिंग टू जीरो पे y डैश क्या मिल रहा है अपने को, y डैश मिल रहा है y डैश इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो, ठीक बात। तो एक तरफ से जीरो स्लोप आई और एक तरफ से m1 क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, और m2 क्या आ रहा है, जीरो, है ना। ये अपने को समझ में आ रहा है कि एक स्लोप तो क्या है इन्फिनिटी, और ये स्लोप क्या आ रही है, देखो बच्चों ये आ रही है, ठीक है। ये भी पूरा अपन एक साथ देखें तो ये पूरा तो फंक्शन ही नहीं है, यहां पे कर्व की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। शार्प कॉर्नर तो आ रहा है बट ये फंक्शन ही नहीं है पूरा, पूरा फंक्शन की यदि बात करें तो फंक्शन तो इतना ही है, डिफरेंशिएशन इसी का करना चाहिए अपने को, है ना। और एक्सप्लिट इज इम्प्लिसिट फंक्शन का अपन ने डिफरेंशिएशन करना सीखा है, वहां से भी अपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या क्या बन रहा है, ये x0 y0 पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी, है ना। जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो फिर अपने को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू x की पावर 3/2 अपॉन रूट टू बना के सिंगल फंक्शन का कर्व, है ना, सिंगल कर्व का अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y डैश इज इक्वल टू जीरो आ गया एक तरफ से, है ना, m2, एक तरफ से m1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो जीरो और इन्फिनिटी, तो एंगल क्या बन गया, बन गया अपने पास, है ना, एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू 90°8, 0, 0, ठीक बात। सेकंड 8.8, 256, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से अपन बोलेंगे कि 16 by y, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 upon 256, ठीक बात। ऐसे ही y डैश 1 निकल गया या m1 निकल गया अपने पास, ये m2 निकाल लेते हैं, m2 क्या लिखेगा, m2 x की पावर 3/2 m2 ये है, तो x की जगह मैंने क्या रखा है 8, 8 की पावर 1/2 मतलब 2√2, तो ये क्या आ रहा है बच्चों 3/2√2, x की जगह 8 रखने पे 3√2, 8 रखने पे 2√2, तो ये रूट टू से रूट टू गया, 2 से 2 गया, ये क्या आ रहा है 3, क्या आ गया 3 और 16 upon 256, तो इसको अपन ने लिख दिया 8 × 8 × 4, है ना, यह आ रहा 1/16, ठीक है। तो एक तरफ स्लोप आ रही है 1/16, एक तरफ आ रही है 3, एक कर्व से अपने पास क्या आ रही है 1/16, और एक कर्व से क्या आ रही है 1/16, और एक कर्व से आ रही है 3 स्लोप, दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा अब, है ना, 3 − 1/16 upon 1 + 3/16, सो दिस इज 10 थीटा, क्लियर पॉइंट, दिस इज 10 ऑफ थीटा। तो ये अपन ने प्रॉब्लम्स देखे हैं किसके ऊपर, एंगल बिटवीन टू कर्व से। अब अपन करते हैं ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनलिटी पे बेस प्रॉब्लम्स। सो अपने पास ये 3 प्रॉब्लम है, इनको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, तीनों ही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, प्रूव दैट दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना। तो इसका मतलब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स इज 90°, है ना, ये प्रूफ करना है अपने को।
तो इसका मतलब सबसे पहले अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने चाहिए, फिर सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर उन पे हर एक पे अपन क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, और वैसे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और तरीका इसका होता है, उनमें इनमें रिलेशन में कुछ खास रिलेशन इस तरीके से ये डिजाइंड होते हैं, कैसे, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई टू। e टू द पावर माइनस x बाई टू का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, बोलो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इस पे ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां निकालना अपने बस का नहीं है, e की पावर माइनस एक्स बाई टू को इसके साथ कैसे सोल्व करेंगे। दो अपन निकालना चाहें तो मेहनत कर सकते हैं, बट सोल्व नहीं हो पाएगा ना, 4x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स बाई टू को अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देयर हैज टू बी सम अदर वे, कुछ और तरीका होना चाहिए, है ना। तो अपन ने मान लिया का लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी इज एक्स वन कॉमा वाई वन, इसके अलावा और कोई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है ना, एक ही समझ में आ रहा है अपने को, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक बात, समझ में आ रही बात। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अपन क्या बात करते हैं कि अच्छा एम वन निकालना है पॉइंट पी पे, एम वन निकाल रहे हैं, एम वन मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो y square equal to 4x के लिए क्या होगा, 2y y dash is equal to 4, मतलब 4 by y। तो अच्छा अपन दो बातें करते हैं, x1 y1 इस पे है, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, y1 square is equal to 4x1 first of all, ये लिख सकते हैं अपन। दूसरा y1 is equal to e to the power minus x1 by 2, ये भी लिख सकते हैं, ये दो तो true होगा ही ना, यदि x1 y1 point इन दोनों curves पे है तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका यही तो था, सबसे पहले ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। अब इसके अपन बात करते हैं कि अच्छा x1 y1 दोनों कर्व्स के ऊपर है, तो इसका क्या निकालते हैं अपन, y डैश। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा m1 निकालते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व वन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4, y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई वाई, ठीक बात, वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 बाई वाई, मतलब 2 बाई इसको लिख लेता हूं 2 बाई वाई वन, ठीक। ऐसे ही M2 निकालता हूं मैं, M2 क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व टू क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, इन टू माइनस एक्स बाई टू का हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब x और x1 y1 डाल देते हैं इसके अंदर, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, m2 इज इक्वल टू आ गया e टू द पावर माइनस एक्स वन बाई टू इंटू माइनस ऑफ वन बाई टू, ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। e टू द पावर माइनस एक्स वन बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं, y1, कोई दिक्कत नहीं है। या अपन m1 m2 कैलकुलेट करते हैं, M1 M2 क्या आ रहा है, देखो 2 by y1 into e to the power minus x1 by 2 into minus half, इस half से ये 2 गया, और e to the power minus x by x1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, y1, क्योंकि ये पॉइंट इस सेकेंड कर्व पर भी है। तो यहां से अपन को ये समझ में आ रहा है क्या, M1 M2 इक्वल टू क्या आ रहा है, इसको मैंने y1 लिख दिया तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, y1 से, तो y1 से y1 कैंसिल हो गया, आ रहा है m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। ये क्या अपने पास, देखो एक लाइन है y इक्वल टू ax, इसको यदि ग्राफिकली देखें तो ये क्या एक लाइन है अपने पास y इक्वल टू ax जो ओरिजिन से पास कर रही है, और दूसरा क्या एक सर्किल है, तो ये लाइन एक ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन है, तो सर्किल को अपन को सेंटर से पास करती हुई कोई भी लाइन सर्किल को कितने पे, किस पे इंटरसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगी उसकी नॉर्मल, समझ में आ रहा है अपने को, y इक्वल टू ax एंड दिस कर्व आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये प्रूफ करना था। तो डायग्रामेटिकली तो अपने को दिख रहा है ना ये बात, कोई भी लाइन जो होगी
वो इसको क्या करेगी, 90 डिग्री पे ही कट करेगी, क्योंकि वो इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल। ठीक है बात। अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ भी कर सकते हैं अपन। अपन बोलते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी एक्स वन कॉमा वाई वन, जैसे अपन ने पिछला प्रूफ किया था, y1 डैश या अपन m1 निकालते हैं, तो m1 क्या आएगी बच्चों, m1 विल बी dy by dx is equal to a। ऐसे अपन बोलते हैं कि m2 निकालते हैं, m2 क्या आएगा, m2 के लिए थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ेगा, dy by dx निकालना पड़ेगा, 2x plus 2y y dash is equal to 0। तो यहां से y dash क्या आ गया, ये आ गया क्या, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, x1 कॉमा y1 की। अब x1 कॉमा y1 है तो अपन बोल सकते हैं कि y1 is equal to ax1, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पॉइंट इस पर भी है और इस पर भी है, तो मतलब ये भी होना चाहिए, x1 square plus y1 square is equal to a square भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपने अपने पास क्या आ जाएगा, m2, यहां पे अपन ने क्या निकाल लिया, m2, m2 क्या आ रहा है, x1 y1 रखो यहां पे, तो माइनस ऑफ x1 अपॉन y1, बोलो m1 आ गया, m2 आ गया, तो m1 into m2 निकालने की कोशिश करते हैं, तो m1 into m2 निकालो एक बार, ये आ रहा है a माइनस x1 y1 को, यहां से देखो क्या लिख सकते हैं अपन, या x1 अपॉन y1 को क्या है, 1 बाई a लिख सकते हैं क्या अपन, बोलो x1 अपॉन y1 को 1 बाई a लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो, क्योंकि ये पॉइंट इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये माइनस एज इट इज माइनस ऑफ ए इंटू एक्स वन बाई वाई वन को अपन ने लिख दिया 1 बाई ए, कैंसिल हो गया, है ना, माइनस ऑफ एक्स वन वाई वन था, एम वन अपने पास ए था, एम टू क्या है, माइनस एक्स वन बाई वाई वन, एक्स वन बाई वाई वन को उठा के अपन ने यहां से ले आए, एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 बाई ए, सो एम वन एम टू इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है बच्चों, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, एम वन एम टू इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस वन। ठीक है बात, समझ सकते हैं अपन इसको आराम से, सेम सेम प्रोसीजर इसके लिए है, तो ये अपने को खुद से करना है। ठीक है, एज ए होमवर्क प्रॉब्लम मान लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को, दीज आर टू पैराबोलास, डिफरेंशिएशन करो, m1 निकालो m2 निकालो, और वहां से प्रूफ हो जाएगा कि m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, काफी सिंपल है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में वो पॉइंट एक्स वन वाई वन मान लेंगे, दोनों कर्व पे सेटिस्फाई करेगा, और दोनों का डिफरेंशिएशन करके m1 और m2 निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे ऑर्थोगोनल पे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लिखते हैं अपन, तो अपन को यहां पे क्या निकालना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इन दोनों का एक बार पहले कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो क्या है अपने पास इलिप्स है, बोलो, और इसका यदि कर्व बनाए तो ये y की पावर y is equal to x की पावर 1 by 3 को फॉलो करेगा, तो x की पावर 1 by 3 का रफली ग्राफ अपन देखें तो ऐसा कुछ आएगा, बोलो समझ में आ रही है बात। तो इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे अपन को बोल रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने मान लिया का, लेट दिस पॉइंट बी P1 इज इक्वल टू एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक बात, एक्स वन कॉमा वाई वन पहले मान लो अपने को, जनरल अप्रोच तो क्या है कि एक्स वन वाई वन पहले निकालने पड़ेंगे, बट ए स्क्वायर है तो एक्स वन वाई वन तो अपन यहां से निकाल नहीं पाएंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि पी एक्स वन वाई वन दोनों का रूप है, तो अपन इतना बात तो लिख सकते हैं कि एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन, ये लिख सकते हैं क्या, बोलो। ऐसे सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि y1 क्यूब इज इक्वल टू 16x1, ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। ठीक बात, बोलो, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, m1 निकाल लेते हैं m2 निकाल लेते हैं, पहले m1 का m1 निकालते हैं, इस कर्व की बात करें तो dy by dx अपन निकालना चाह रहे हैं, dy by dx फॉर कर्व वन, इसके लिए अपन ने क्या किया, 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y y डैश अपॉन 4 इक्वल टू 0, तो यहां से y डैश क्या आ गया बच्चों, y डैश अपने पास क्या आ गया, y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू 4 अपॉन y। ठीक है, तो y डैश एट अपने को निकालना है, y डैश एट x1 कॉमा y1 पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू 4
फोर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक बात। दिस इज एम वन, दिस इज एम वन मिल गया अपने को। सिमिलरली वी कैन फाइंड एम टू, एम टू निकालते हैं। एम टू निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व टू। कर्व टू क्या है अपने पास, तो कर्व टू का डीवाई बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 16। तो यहां से वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 बाई थ्री वाई स्क्वायर, ठीक बात। बोलो 16 अपॉन थ्री वाई स्क्वायर, 8.y1 ये हो जाएगा y डैश, 8.x1y1 ये 8.p, ये हो जाएगा 16 बाई थ्री अपॉन वाई स्क्वायर ना, 16 बाई थ्री वाई स्क्वायर है ना। ये क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, या अपन बोल सकते हैं कि m2, m2 आ गया, m1 आ गया। तो उस पॉइंट की बात करें अपन x1 y1 की, तो x1 y1 पॉइंट पे अपने को पता है कि इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री यदि इंक्लाइन कर रही है, तो m2 m1 इक्वल टू, m1 m2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए। क्या बोलो, m1 m2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस वन, सही है बात। m1 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, क्या आ रही है, माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू फोर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 16 अपॉन थ्री वाई वन स्क्वायर है ना। ये क्या आ रहा है, 16 अपॉन थ्री वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस वन, ठीक बात। ये क्या आ रहा है, इसको मैंने सेपरेट किया, ये आ रहा है एक्स वन अपॉन थ्री वाई वन क्यूब, 16 एक्स वन अपॉन थ्री वाई वन क्यूब। देखो वाई वन क्यूब इज इक्वल टू 16 एक्स वन, तो 16 एक्स वन अपॉन वाई वन क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 एक्स वन अपॉन वाई वन क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, वन, ठीक है। यहां से या वाई वन क्यूब को लिख दो, वाई वन क्यूब को रिप्लेस कर दो 16 एक्स वन से, है ना। तो माइनस ऑफ एक्स वन इंटू 64 अपॉन ए स्क्वायर इंटू थ्री वाई वन क्यूब, वाई वन क्यूब की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 16 एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वन। ये एक्स वन से एक्स वन गया है ना, y1 क्यूब इज इक्वल टू 16 एक्स वन, ये 16 से 4 गया, तो यहां से क्या आ रहा है, माइनस 4 बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर है ना। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस टू रूट टू अपॉन रूट थ्री, समझ आ रही है बात। अपने को क्या निकालना था, a निकल आएगा क्या, सही है बात। m1 m2 इक्वल टू माइनस वन में अपन ने इन दोनों रिजल्ट का यूज कर लिया, अल्टीमेटली इस रिजल्ट का यूज हो रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो सिंपल प्रॉब्लम्स बनती है, ज्यादा बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है ये, इजी क्वेश्चंस बोल सकते हैं अपन इसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हल्का सा मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है तो वो अपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, फाइंड द कंडीशन फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो अच्छा, प्रॉब्लम देख के अपने को यह समझ में आ रहा है कि दो कर्व है ना, वेरिएबल ज्यादा है तो अपने को एज्यूम कर लेना चाहिए, अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ए एक्स वन स्क्वायर, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी एक्स वन कॉमा वाई वन, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर इक्वल टू वन। सिमिलरली अपन बोलते हैं कि ए डैश एक्स वन स्क्वायर प्लस बी डैश वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स वन कॉमा वाई वन, है ना। इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है अपने पास, मान लो एक्स वन कोमा वाई वन, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो एक्स वन वाई वन है, तो अपन बात करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन नंबर वन ये हो गई, इक्वेशन नंबर टू हो गई, ठीक बात। बोलो अब अपन क्या जानते हैं कि एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, तो पहले अपन एम वन निकालने की कोशिश करते हैं। एम वन निकालने का मतलब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स फॉर कर्व वन एट पॉइंट पी। तो डी वाई बाई डी एक्स की यदि बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, टू ए एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू ए एक्स प्लस
टू बी वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स y डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, y डैश इज इक्वल टू आ रहा है माइनस ए एक्स अपॉन बी वाई। ठीक बात, अपने को निकालना है y डैश एट एक्स वन वाई वन, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स वन अपॉन वाई वन। ठीक है, तो ये अपना आ गया क्या अपने पास, m1 निकल गया। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अपन क्या निकालते हैं, ऐसे अपन निकालते हैं m2। तो सिमिलरली m2 क्या आ जाएगा, m2 विल बी माइनस ऑफ a डैश बाई b डैश x1 अपॉन y1। कैलकुलेशन तो वही रहेगी, a डैश b डैश, a डैश a की जगह a डैश आ जाएगा, b की जगह b डैश आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं m1 m2 इक्वल टू माइनस वन की, है ना, सिंस दे आर ऑर्थोगोनल, मतलब m1 m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस वन। m1 m2 को माइनस वन करने पे क्या मिल रहा है अपने को, a a डैश अपॉन b b डैश इंटू क्या आ रहा है देखो, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस वन। ठीक है, अपना प्रॉब्लम कहां पे अटक गया, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर ये वेरिएबल की फॉर्म में है, है ना, ये तो वेरिएबल है, इनको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए अपने पास क्या दिया हुआ है, दो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, x1 y1 को अपन रिमूव कर सकते हैं क्या, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर यहां से कैसे निकालेंगे, देखो 1 माइनस टू करो, इक्वेशन 1 माइनस टू किया तो ये क्या आ रहा है बच्चों, a माइनस a डैश इंटू x1 स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं बोलो। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, देखो a माइनस a डैश x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस b डैश y1 स्क्वायर, अपने को निकालना है x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, दैट विल बी माइनस ऑफ b माइनस b डैश अपॉन a माइनस a डैश। बोलो सही है क्या बात, उठा के रख दो यहां पे, तो अपने पास क्या आ गया, a a डैश अपॉन b b डैश इंटू माइनस साइन के साथ b माइनस b डैश अपॉन a माइनस a डैश इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है देखो अपने पास, 1 बाई बी बाई बी बी डैश कर देते हैं इधर, है ना, 1 बाई बी, इसको अपन ने कैसे लिखा, b माइनस बी डैश अपॉन बी बी डैश, यही कंडीशन आ गई बेसिकली। इसको थोड़ा सा और सुंदर फॉर्म में लिख देते हैं अपन, a माइनस a डैश अपॉन a a डैश, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन b डैश माइनस b डैश से b डैश गया 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई a डैश माइनस 1 अपॉन a, सो दिस विल बी द आंसर। तो ये कंडीशन अपन को समझ में आ रही है कि इफ दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन ए बी और ए डैश बी डैश में ये रिलेशन होना चाहिए था। सो बच्चों आज की क्लास में अपन ने क्या देखा है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स और हाउ व्हेन वी विल से टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना, ऑर्थोगोनलिटी पे कैसे एक प्रॉब्लम बनते हैं समझ में आ रही होगी अपने को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं पड़ रहा है वहां पे, अपन एज्यूम कर रहे हैं एक्स वन वाई वन पॉइंट और उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कई बार अपन को निकालना पड़े, बट इन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड दिस कि वी विल जस्ट एज्यूम एंड उस रिलेशन का लास्ट में यूज कर लेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे अपन ने इस रिलेशन का लास्ट में यूज किया है, ऐसे ही सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स अपन को फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आई होगी और तुम्हारे को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।